लाभ उठाएं। बहुत बहुत आप सबकी उपस्थिति को नमन करता हूँ, आपकी सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ, आप सबकी महनीय उपस्थिति को धन्यवाद देता हूँ, स्वागत करता हूँ। कई विभागों के हमारे अधिकारीगण और टीम के साथीगण सन्निध हैं, बेसिक शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, जिला पंचायती राज विभाग, विभिन्न विभागों के पारस्परिक समन्वय से आज यह आयोजन संपन्न हो रहा है। आयोजन मंडल की ओर से उन सभी साथियों को हार्दिक धन्यवाद देते हुए कि यह आयोजन हम सब का है। आयोजन ये तभी संभव हो पाएगा जब हम सभी संकल्प भाव से, अपनत्व के भाव से हम सभी सन्निध हैं। मीडिया के भाइयों का भी बहुत बहुत अभिनंदन, क्योंकि वही इन बच्चों के भावनाओं को प्रचार देंगे, उस डेहरी तक भी पहुंचाएंगे जो यहाँ पर नहीं है। उन सभी साथियों का भी अभिनंदन। वसुधैव कुटुंबकम की अविराट भावना हम सभी में जीवंतता, हम सभी में जीवंतता लाए। हम सभी को बार बार यह भाव हमारे अंदर एक ऊर्जा का संचार करे, एक हमारे अंदर स्पंदन दे, एक दोलन दे। आइए इस वसुधैव कुटुंबकम की विराट भावना के साक्षी बने। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। कैटेगरी 5, जिसमें फाइन आर्ट्स और प्रोफेशनल के हमारे साथी हैं, मंच के ठीक सामने वहां पर फाइन आर्ट्स और प्रोफेशनल्स का पटल है। हम देख पा रहे हैं कि वहां के नोडल आदरणीय श्री अवधेश मिश्रा जी, प्रोफेसर शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय जी के साथ पूरी टीम के साथीगण लगे हुए हैं और हमारे प्रतिभागीगण अपना स्थान ग्रहण कर चुके हैं और कार्य निर्देशन अनुसार प्रारंभ हो चुका है। कैटेगरी 1, जिसमें बेसिक शिक्षा अधिकारी जी के मार्गदर्शन में टीम अपना काम कर रही है, कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों का वह प्रतिभागी पटल है। मंच के बाईं ओर कैटेगरी 2, 9 क्लास 9 से क्लास 12 तक और उसके नोडल अधिकारी DIVS सर, जिला विद्यालय निरीक्षक जी। कैटेगरी 3 ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट, मंच के दाईं ओर नोडल अधिकारी, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी जी के निर्देशन में आयोजन गतिशील है। मंच के दाईं ओर ही कैटेगरी 4, जिसमें हमारे सभी टीचर्स प्रतिभाग कर रहे हैं, नोडल अधिकारी असिस्टेंट DIVS सर आदरणीय रीता सिंह जी के मार्गदर्शन में आयोजन हो रहा है। कैटेगरी 5, जैसा मैंने कहा कि सामने है फाइन आर्ट्स और प्रोफेशनल्स, एंड कैटेगरी 6 जो कि ओपन कैटेगरी है, मंच के दाहिनी ओर ही सहायक जिला विद्यालय निरीक्षक श्रीमती पूनम साई जी के मार्गदर्शन में हमारी टीम, हमारे बीच में AD बेसिक सर भी उपस्थित है, उनका भी मार्गदर्शन मिल रहा है। हम उनका भी अभिनंदन करते हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। जिला पंचायती राज के हमारे DPRO सर, असिस्टेंट DPRO सर और पूरी टीम के साथीगण हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। मित्रों, एक बार पुनः बारंबार ये बात कही जा रही है और कितनी बार कही जाए उतनी बार मन को हर्ष लगता है, मन को उल्लास देता है। रंग दे बसंत G20 के संग यह पेंटिंग प्रतियोगिता वसुधैव कुटुंबकम की विराट भावना को समर्पित है और हम आशा करते हैं कि प्रत्येक कैटेगरी के प्रत्येक प्रतिभागी इस विराट भावना को सन्निध करते हुए, केंद्रित करते हुए अपनी रचनात्मकता को उस पत्रक पर उकेरेंगे, प्रस्तुत करेंगे। मैं अपने सहयोगी साथी यादवेंद्र जी के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। ठीक है, जहाँ जहाँ बच्चे हैं वहाँ जाएगा, वहाँ जाएगा, जाएगा ना, हाँ सब हाँ, ले जाओ। धन्यवाद प्रकाश तिवारी जी, आप सब इस प्रांगण में लगातार
आज के चित्रमय वातावरण से अपने आप को जोड़ रहे हैं, संबंधित कर पा रहे हैं। इसी के बीच में हमारे बच्चों को और जो कैटेगरी प्रथम में प्रतिभाग करने वाले चित्रकलाओं के भी कई हम जब अध्ययन करते हैं तो हमें दिखाई देते हैं। चेंज कर दो भैया, है अपने पास प्राचीन युग की चित्रकलाएं, मध्यकालीन भारत की चित्रकलाएं, भारतीय अलंकृत कला और इसमें मिथिला चित्रकला, कलमकारी चित्रकला, उड़ीसा पटचित्र, फाड़ चित्र, गोंड कला, बाटिक प्रिंट, वर्ली चित्रकला, काली घाट चित्रकला, भोरके वाली, ये चित्रकलाओं के कई स्वरूप हमारे पास आज संग्रहालयों में विद्यमान हैं और इस बात का प्रतीक हैं कि हमारे पूर्वजों ने आज से कई हजार साल पहले चित्रकला के बारे में न केवल विधिवत ज्ञान प्राप्त कर लिया था बल्कि वे इसमें पूर्णतः पारंगत भी थे। मित्रों, ईसा पूर्व पहली शताब्दी के लगभग चित्रकला के 6 अंगों का वर्णन किया गया है और यशोधर पंडित ने अपने एक ग्रंथ के माध्यम से, आलेख के माध्यम से हमें कला के 6 भाग बताए। इसमें रूप भेद, प्रमाण, सही नाप और संरचना आदि, इसको प्रमाण का नाम दिया, भाव, लावण्य योजना, सादृश्य विधान, वर्णिका भंगम, ये 6 भाग वर्णित किए थे यशोधर पंडित ने। इसको वर्णित करते हुए उन्होंने लिखा है, रूप भेदा प्रमाणानि भावला लावण्य योजनम सादृश्यम वर्णिका भंगम इति चित्रम षडंगकम। ये चित्रकला के 6 अंग हैं और आज की हमारी जो चित्रकला है उसका जो शीर्षक है वो है वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात
हमारे पूर्वजों ने आज से काफी समय पूर्व पूरी वसुधा के बारे में अपने विचारों का अंकन चाहे उपनिषद के माध्यम से किया हो, पुराणों के माध्यम से किया हो, या वेदों में लिखे मंत्रों की टीका करते समय, उसको विस्तार देते समय अपने विचारों को उन श्लोक के भावों के साथ जोड़ा हो, या इन सारे विचारों को कलम छोड़कर अपनी तेजोमयी जो उनकी तूलिका थी उसके माध्यम से विभिन्न चित्रों पर उकेरा, चित्रों के रूप में उकेरा, विभिन्न स्थानों पर उकेरा। और साथियों, हमारे अनेक राजवंशों ने चित्रकला के साथ साथ कई अन्य कलाओं का पल्लवन, पुष्पण, संरक्षण, पोषण किया और अपने राज्य में उन चित्रकारों को, उन कलाकारों को विशेष संरक्षण दिया जो इसमें दक्ष थे, जो इसमें महारत हासिल कर चुके थे। मित्रों, यदि हम अपने इस कलात्मक इतिहास का अध्ययन करते हैं तो दोस्तों, हम देखते हैं कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण नामक ग्रंथ जो ईसा पूर्व में लिखा गया, उसमें चित्रकला का वर्णन करते हुए, चित्रकला की महत्ता का वर्णन करते हुए ये कहा गया कि कला नाम प्रवरम चित्रम धर्मार्थ काम मोक्षादम मांगल्य प्रथम दोतद ग्रहे यत्र प्रतिष्ठितम। अर्थात कलाओं में चित्रकला सबसे ऊंची है, जिसमें धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। अर्थात जिस घर में चित्रों की प्रतिष्ठा अधिक रहती है, वहां सदा मंगल की उपस्थिति मानी गई है। साथियों, आज हमारे समाजवादी नेता जनेश्वर मिश्र जी के नाम पर स्थापित इस जनेश्वर मिश्रा पार्क में उनके बाद की पीढ़ी किस प्रकार से चित्रों के माध्यम से इस पार्क को आज मंगल ऊर्जा के साथ ओतप्रोत कर रही है, ये विहंगम दृश्य आप सबके सामने ही दिखाई दे रहा है। हमारे छह श्रेणियों में आए हुए चित्रकार प्रतिभागी लगातार अपनी चित्रकला के माध्यम से आज इस जनेश्वर मिश्रा पार्क को चित्रमय ऊर्जा से, सकारात्मक ऊर्जा से, मां सरस्वती के आशीर्वाद से प्राप्त उनकी कृपा से मिली उस कला का प्रकटन इस पूरे पार्क में कर रहे हैं। निसंदेह आज का वातावरण यहाँ एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार तो कर ही रहा है, साथ ही साथ हम आप सबके मन को प्रफुल्लित, आनंदित और आह्लादित भी कर रहा है। हम लोग लगातार देख रहे हैं, जहां तक निगाह जाती है, हमारे नौनिहाल बच्चे, हमारे पूर्ण परिपक्व प्रोफेशनल आर्टिस्ट
करें जोरदार तालियों से, हाथ खोल हाथ खोलिए और जोरदार तालियों से सभी बच्चों का सभी प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत करें, हार्दिक स्वागत करें। भाई आदरेंद्र जी आप कंटिन्यू रहेंगे और एक दो बातें हम आपसे करना चाहेंगे, हमारे बीच में अनेक गार्जियन लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, जरा उनसे बात सुनते हैं। अभी मैं हमारे बीच में प्रिया गुप्ता जी हैं, हुसैनगंज से आई हैं, उनकी बेटी यहाँ पे प्रतिभाग कर रही है, बेटा उनका प्रतिभाग कर रहा है। आइए जरा दो मिनट उनसे बात करते हैं कि क्या चीज है। प्रिया जी स्वागत है, प्रिया जी का करिए। मित्रों आप जैसे अनेक गार्जियन हैं, प्रिया जी से मेरी बात हुई अभी, तो प्रिया जी बताइए आपका बेटा यहाँ कैटेगरी वन में प्रतिभाग कर रहा है जैसा आपने कहा, तो इसके लिए आपको क्या लग रहा है, ये G20 सम्मेलन और इस पर आपको कितना अंदर से उत्साहित है, आप जरा बात बताइए सभी को। इस पे हम इसलिए खुश बहुत हो रहे हैं क्योंकि ये भारत को जो 20 कंट्रीज की अध्यक्षता के लिए चुना गया है, तो इसके लिए सबसे ज्यादा खुशी यही है कि भारत अपना पहली बार नंबर पे आया है, तो इसके लिए तो सभी को खुश होना चाहिए और तालियां बजानी चाहिए कि समाज में कभी पहली बार ऐसा हुआ है और आगे भी होने की उम्मीद है। इसलिए पेंटिंग के जरिए बच्चों को बुलाया तो गया है लेकिन आप सबकी मन की इच्छा भी पूछी जा रही है, इसलिए उसके लिए भी खुशियों का मौका है। सब लोग तालियां कस के बजाइए इसी बात पर। जोरदार तालियों से स्वागत करें भाई प्रिया गुप्ता जी का। और हमारे बीच में यादवेन जी, हमारे बीच में एक भ्राता है श्री गुरचरण सिंह जी, मैं गुरचरण जी से आग्रह करूंगा, बिल्कुल स्वागत कराना चाहेंगे। आप एक प्राइवेट जॉब करते हैं और हम समझते हैं कि प्राइवेट जॉब में किसी भी दिन छुट्टी नहीं होती। जी जी। और आपकी बेटी यहाँ पर प्रतिभाग कर रही है, आपने अपना काम छोड़कर अपनी बेटी को प्रतिभाग कराने के लिए यहाँ पर आप आए हैं, मैं पहली बात तो आपका स्वागत करता हूँ गुरचरण जी, और मैं चाहूंगा एक बार तालियां आप अपने गुरचरण जी के लिए बजाइए। और मैं चाहूंगा गुरचरण जी बताइए अपनी अपनी जो भी अनुभूति है कि बेटी ने क्या आपको बताया और क्या समझ रहे हैं कि ये पेंटिंग प्रतियोगिता में जो अपने मन के, हालांकि अभी कह रहे थे कि हम भाषण नहीं दे पाते, बोल नहीं पाते, मैंने कहा अपनी बात कही है। गुरचरण जी बेटी के बारे में उनसे कुटुंबकम के बारे में स्वयं कहीं विचार पूछिएगा। सर मैंने सुना था कि G20 देश जो है सब आपस में मिलके मतलब इंडिया इसकी मेजबानी कर रहा है, तो इस बारे में हमें बड़ी खुशी होती है कि सारे वर्ल्ड में इंडिया का नाम है, तो इंडिया पहली बार हमारे डेलीगेट कर रहे हैं, अध्यक्ष कर रहे हैं। और बेटी प्रतिभाग कर रही है, इसके लिए आपको क्या लग रहा है? बेटी हमारी जो क्लास 9th में स्टेला मैरिस है, तो अब ड्राइंग में बहुत अच्छी है तो उसमें पार्टिसिपेट कर रही है। इसमें भारत इतना विराट भाव लेके चल रहा है, पूरी धरा को एक मानता है, तो आप इस पे क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर भारत हमारा बहुत वर्ल्ड में जाना माना देश है, तो इसमें काफी आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस आयोजन से खुश हैं? जी सर मैं इस आयोजन से बहुत खुश हूँ। बहुत 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 सभी लोग तालियां आगे भी बजाइए, गुरचरण जी के लिए बजाइए। यादवेन जी अनेक लोगों से हम बात कर रहे हैं, हमारे बीच में विनीता जी हैं। विनीता जी अभी आप कहाँ हैं? ओके अभी कुछ एक अंतराल के बाद में उनसे बात करेंगे। इस तरीके से यादवेन जी हम देखते हैं कि जो ये आयोजन है, जो इसके पीछे निहित उद्देश्य है कि ये केवल एक मात्र मंचीय एक औपचारिक आयोजन न बन जाए, भारत के प्रत्येक नागरिक में इसके प्रति चेतनता हो और वसुधैव कुटुंबकम की ये भावना जागृत हो, जीवंत हो और आज हम उसके साक्षी हैं। ओवर टू यादवेन जी। जी गुरचरणजीत सिंह जी के विचारों में राष्ट्रीयता की झलक हम आप सबने देखी, जिसको आज से पहले लामा इकबाल ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलशिकवा हमारा। तो दोस्तों ये हमारा भारत निसंदेह आज प्रगति के पथ पर है, और केवल प्रगति के पथ पर ही नहीं, जैसा कि हमारा प्राचीन इतिहास रहा है कि हमारे देश भारतवर्ष ने पूरे विश्व को सदैव शांति मानवता ज्ञान की राह दिखाई है, और उसी क्रम पर आगे बढ़ते हुए वर्तमान समय में जो हमारा G20 20 राष्ट्रों का जो समूह है उसकी एक बार मेजबानी कर रहा है, उसका नेतृत्व भी कर रहा है,
विगत वर्ष में भारत को इसका नेता चुना गया और वर्तमान समय में हम G20 की जो शिखर सम्मेलन होने वाला है, जो 20 राष्ट्रों की बैठक होगी, वो सितंबर माह में दिल्ली से प्रारंभ होगी और हमारे प्रदेश के कई शहरों में भी आयोजित की जाएगी। जी, यहाँ जितने टीचर्स आए हैं, टीचर्स के लिए भी एक अलग कैटेगरी है पार्टिसिपेट करने के लिए। पेरेंट्स जितने आए हैं, जितने अभिभावक हैं, उनके लिए भी एक कैटेगरी है पार्टिसिपेट करने के लिए कंपटीशन में। आप सभी के बच्चे यहीं आपको जिस जगह पे आप उनको छोड़ के उस कंपटीशन में अपने में जाके बैठ रहे हैं, वहीं आपको मिलेंगे। हमारी पुलिस फोर्स पर्याप्त है, हमारी पूरी टीम पर्याप्त है, कोई कहीं नहीं जाएगा। हम किसी भी बच्चे को अनअटेंडेड यहाँ गेट से बाहर नहीं जाने देंगे। तो या तो आप लोग यहाँ पे चेयर्स पे आके आराम से बैठ जाए, या उधर कंपटीशन में आराम से पार्टिसिपेट कर ले। इधर उधर भटकने से डिस्टर्बेंस हो रहा है बच्चों को। थैंक यू आपके संबोधन के लिए, मार्गदर्शन के लिए। यादवन जी, हमारे बीच में शहनाज बानो जी है। शहनाज बानो जी हैं और इनका बेटा 11th में है और वो प्रतिभाग कर रहा है। आप कैंट से सदस्य आप आए हैं। शहनाज जी, आप बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि जब बच्चे को पता चला कि बच्चा इस प्रतिभाग कर रहा है, तो आपको कैसे लग रहा है? प्रकाश जी, जरा एक सेकंड इसी को जरा रिंग कर। जितने भी अध्यापक इस प्रांगण में मौजूद हैं और इस चित्रकला प्रतियोगिता में किसी भी उद्देश्य से आए हैं, उनके लिए भी एक कैटेगरी रखी गई है पेंटिंग कंपटीशन में प्रतिभा करने की। और सभी अभिभावकगण जो यहाँ मौजूद हैं, वो भी उस कंपटीशन में प्रतिभा कर सकते हैं। अध्यापकों के लिए भी कैटेगरी निर्धारित की गई है, वो यदि चाहते हैं तो अपने उस कंपटीशन में जाकर के प्रतिभा कर सकते हैं। दोनों के लिए एक सुअवसर है। और जितने भी हमारे अभिभावकगण दिखाई दे रहे हैं, उन सबके लिए लगातार सूचना यहाँ से प्रसारित की जा रही है। यहाँ उनके लिए स्थान आरक्षित किया गया है मंच के ठीक सामने। यहाँ आकर के वो बैठ सहरे हैं और यहाँ बैठे वो अच्छा ही रहेगा, उससे व्यवस्था में सहयोग मिलेगा। और वो अगर घूमते हैं तो उससे जो हमारे ब्लॉक्स बनाए गए हैं कैटेगरी वाइज, वहाँ जो प्रतिभागी प्रतिभा कर रहे हैं, उनके अंदर एकाग्रता थोड़ा सा भंग हो रही है। इसलिए आप सबसे विशेष अपेक्षा है, यदि चाहें तो पेंटिंग कंपटीशन में प्रतिभाग करें, और अगर उसमें किन्हीं कारणों से नहीं जाना चाहते हैं तो जो स्थान निर्धारित किया गया है मेरे पंडाल के सामने, मंच के सामने, यहाँ आकर के बैठ सकते हैं। ठीक, प्रकाश जी, शांति नगरी। जो हमारे प्रतिभागी प्रतिभाग कर रहे हैं, इनमें हमारे कक्षा 6 से जो सबसे छोटे प्रतिभागी हैं आयु वर्ग में, वो कक्षा 6 से लेकर 8 तक अध्ययन करने वाले प्रतिभागी हैं। और अगर उनकी आयु का मोटा मोटा आकलन किया जाए तो ये हमारे प्रतिभागी 11 से 14 आयु वर्ग के ठहरते हैं। और इन प्रतिभागियों का कहना है, जो हमारे बाल प्रतिभागी हैं, वसुधैव कुटुंबकम को ध्यान में रखते हुए इसको एक सूत्र में बांधने के लिए हम अपनी
रंग और कोची हाथ में लेकर के आए हैं, तुलिका हाथ में लाए हैं, इसलिए ये कुछ दोष करते हैं जो हमारे बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं। मैं एक बार पुनः आप सबको अवगत कराना चाहूंगा कि यदि अभी भी कोई बच्चा ऐसा रह गया है, कोई प्रतिभागी जो प्रतिभाग करना चाहता है, तो उसके लिए अभी यद्यपि समय हो चुका, लेकिन आप वहां पहुंचिए अपने संबंधित कैटेगरी स्थल पर और अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। सामग्री आपको वहीं पर मिलेगी, जो भी आवश्यक चीजें हैं आप वहां पहुंचे। अभी दो बच्चे हमको मिले तो वे वेट कर रहे थे, अभी मैंने उन्हें भेजा, तो कृपया आप सभी इस बात का ध्यान दें। बार बार अनाउंस किया जा रहा है, नोडल अधिकारीगण वहां पर उपस्थित है, पूरी टीम वहां पर उपस्थित है, इधर उधर ना घूमे। बच्चों को प्रतिभागी वहां पर अपने स्थल पर रजिस्ट्रेशन करने के उपरांत उनके साथ आए हुए अध्यापक सभी आप सबसे अनुरोध है कि कृपया यहां पर स्थान व्यवस्थित है, आप स्थान ग्रहण करें, आपका अपना कार्यक्रम है। थैंक यू। तो आइए बात करते हैं सहनाज बानो जी से। सहनाज जी आपसे बात हो रही थी, बस कुछ ये बताइए, जब आपको पता चला तो आपको कैसा लगा? हमको सर बहुत अच्छा लगा कि बच्चों को एक मौका मिल रहा है कि कुछ करने का, कि बच्चे का ऐसे हौसला बढ़ता है कि बच्चा ये सोचता है कि अगर हम पढ़ने में अच्छे हैं या किसी चीज में भी अच्छे हैं तो उसको कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे वो नीचे लेवल का हो चाहे वो ऊंचे लेवल का हो। और इसमें माँ बाप को भी आगे बढ़ना चाहिए बच्चों के साथ साथ, तभी बच्चों का हौसला बुलंद होता है। आपको ये लगता है ये भारत देश इस बार G20 देशों की अगुवाई कर रहा है, अध्यक्षता कर रहा है, विश्व के 20 महान देश जिनकी अध्यक्षता, जिसकी प्रमुखता भारत करने जा रहा है, तो हम सबका दायित्व है कि हम अपने देश को खूबसूरत बनाएं और इसको आगे चलें। इस पर क्या कहना चाहेंगे एक महिला के रूप में, एक देश को तो खूबसूरत बनाना है सबका फर्ज है, और हमारा देश तो नंबर वन है ही है। बहुत सुंदर, भाई तालियों से स्वागत करें। उस भारत की जय जयकार हमें करना ही है, जोरदार तालियों से स्वागत करें, बड़े सुंदर विचार। थैंक यू सहनाज जी, थैंक यू। मैं एक बार पुनः आप सभी से आग्रह करना चाहूंगा कि कैटेगरी स्थल के बार बार आपको नाम बताए जा रहे हैं, एक बार पुनः मैं यादवेंद्र जी अनाउंस कर देता हूं। कैटेगरी वन जिसमें कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थी प्रतिभाग करेंगे, मंच के दाईं ओर है, वहां पे हमारे नोडल अधिकारी आदरणीय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जी हैं। कक्षा 9 से 12 तक के प्रतिभागी कैटेगरी 2 के अंतर्गत मंच के बाईं ओर, जहां पे जिला विद्यालय निरीक्षक जी हमारे नोडल अधिकारी हैं, आयोजन चल रहा है। कैटेगरी 3 ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट वर्ग के प्रतिभागियों के लिए मंच के दाहिनी ओर है, और क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी जी द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मंच के दाहिनी ओर ही कैटेगरी 5 जिसमें फाइन आर्ट्स और प्रोफेशनल के हमारे साथी प्रतिभाग करेंगे, प्रतिभागी श्री अवधेश मिश्रा जी, प्रोफेसर शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय नोडल अधिकारी हैं, उनकी टीम आयोजन में अपना मार्गदर्शन सहयोग दे रही है। और ओपन कैटेगरी जिसकी बार बार बात हो रही है कि यदि कोई इसके अलावा भी है, कोई बुजुर्ग है, कोई वरिष्ठ है, कोई उससे छोटा बच्चा है, कोई भी कर सकते हैं, ओपन कैटेगरी है, हमारे आयोजन मंडल की ओर से ओपन कैटेगरी में रखा गया। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, आप प्रतिभाग कीजिए। श्रीमती पूनम साई जी जिला विद्यालय निरीक्षक जी है और उनके नोडल अधिकारी के रूप में उनकी टीम सहयोग कर रही है, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और एक बार पुनः कहना चाहूंगा, आप ये मान के चलिए कि गेट के अंदर जो बच्चा प्रवेश करता है वो सुरक्षित है और बिना किसी अनुमति के बच्चा बाहर नहीं जाएगा। बच्चे का रजिस्ट्रेशन करा दीजिए और उसके बाद अपना ससम्मान स्थान ग्रहण करिए। मंच पर जो कार्यक्रम होंगे यहाँ पर आप आनंद लीजिए, आप सहभागी बने इन पलों के। बहुत बहुत धन्यवाद। वसुधा कुटुंबकम की अविराट भावना को समेटे, थैंक यू मैम। एक बार ताली बजा सकते हैं, ताली के लिए जब मन करे तो बिल्कुल बजा दीजिए, हौसला अफजाई होता है। ये बच्चे, ये आवाज, आपकी तालियों की आवाज, आशीर्वाद स्वरूप आवाज इन बच्चों तक पहुंचती है। हम सभी आपकी तालियों से प्रसन्न होते हैं और मन का उत्साह बढ़ता है कि नहीं, जो भी कुछ हो रहा है आप तक पहुंच रहा है। मित्रों, भारत की परंपरा रही है, जड़ चेतन से लेकर के हम सभी के कल्याण की विराट भावना लेकर के चलते हैं। वसुधैव कुटुंबकम की भावना समेटे, रंग दे बसंत G20 के संग।
मेरे साथी यादवेंद्र पांडे जी के साथ पूरी टीम जिसमें बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, जिला पंचायती राज विभाग, अनेक विभागों के समन्वय से ये कार्यक्रम हो रहा है। मैं सभी उच्च अधिकारियों की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और एक बार पुनः मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप जी अपने बच्चों को जो समझते हैं, मेरा विश्वास है और मेरा ये बहुत भरोसा इस बात पे कि जब बच्चे अपनी अपनी उकेरी हुई कृति को हमारे सम्मुख प्रस्तुत करेंगे तो निश्चित मानिए हम सबके सपनों से हम जो कल्पना करते हैं उससे शायद ज्यादा अच्छे बच्चे परफॉर्म करेंगे। एक बार सभी प्रतिभागी बच्चों के लिए जोरदार तालियों से उनका उत्साहवर्धन कीजिए। आपकी तालियां उन बच्चों तक, उन प्रतिभागियों तक पहुंच रही है। लखनऊ जनपद के हर लगभग हर विद्यालय से बच्चे यहाँ पे प्रतिभाग कर रहे हैं। ये उनकी कल्पना है, ये उनके मन की उपज रहे विचारों की प्रतिकृति होगी कि वे अपनी तूलिका के माध्यम से आज कुछ प्रस्तुत करेंगे G20 के संदर्भ में भारत की विराट वसुधैव कुटुंबकम की भावना के प्रति। थैंक यू। वोटू पांडे जी, वो 10 जो है सर वो थीम पे जो है, ये थीम पे कर ले सर, जो अपना वसुधैव वाला है सर, ठीक है। दादा आप पधारे हैं, मैं चाहूंगा अपना परिचय दीजिए आप। 10 नंबर जो है कहाँ से आए हैं सर, कहाँ से पटना? तो आपके बेटी या बेटा कौन है? आपकी आपकी पोती आई है, दादाजी आए हुए हैं अपनी पोती को लेकर। क्या तो पोती किस क्लास में पढ़ती है? 8वीं में, बेसिक विद्यालय में है। जी जी, तो आपको कैसा लग रहा है बच्चे को लाकर? काकोरी ब्लॉक में, काकोरी ब्लॉक में, दादाजी क्या नाम है आपका? शमसुद्दीन जी, शमसुद्दीन जी पढ़ा रहे हैं, अपनी पोती को लाएंगे। तो जब आपको पता चला कि बच्ची यहाँ पे आ रही है तो आपको क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा था कि बच्चे पेंटिंग कर लेते रुचि, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू शमसुद्दीन जी। और हमारे साथियों में से कोई कुछ बात शेयर करना चाहे, बात को सोचना। जो हमारे निर्णायक मंडल के सदस्य हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण सूचना है। जरा इसकी आवाज बढ़ाना। 11 बच चुके हैं और बच्चे बड़े मनोयोग के साथ पेंटिंग कर रहे हैं। 12 बजे आप उनसे ये पत्र प्राप्त करेंगे जिस पर वो पेंटिंग कर रहे हैं, और करने के बाद 30 नंबर में उनका मूल्यांकन करना है। कुल पूर्णांक जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 30 हैं। 30 में 10-10 रंग तीन अलग अलग श्रेणियों में विभक्त किए गए हैं। वो 10 रंग हैं, 10 अंक जो हैं वो है थीम के, रंगों के और स्वच्छता के। अर्थात जो 30 नंबर का आपका पूर्णांक होगा उसमें 10 अंक आप विभाजित करेंगे थीम के लिए, जो हमारी थीम है आज की वसुधैव कुटुंबकम। 10 अंक होंगे जिन रंगों का प्रयोग किया है हमारे प्रतिभागियों ने उनके, और 10 अंक होंगे स्वच्छता के, क्लियरिटी के। जो भी अंकन किया है हमारे बच्चों ने, जो चित्र बनाया है, जो पेंटिंग ड्रॉ की है, उसमें कितनी क्लियरिटी है, कितनी स्वच्छता है, 10 अंक उसके लिए होंगे। इस प्रकार से कुल 30 अंकों में आज की प्रतियोगिता संपन्न की जाएगी। तो जो हमारे वहां पर निरीक्षणगण लगे हुए हैं प्रतियोगिता में, जो हमारे गुरुजन मौजूद हैं, वो ठीक 12 बजे के आसपास आप इनसे पत्रक प्राप्त करेंगे और करने के बाद फिर उनका मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन इन्हीं 30 अंकों में किया जाएगा और मूल्यांकन करने के उपरांत आप परिणाम को यहाँ जमा करेंगे मुख्य मंच के बाई ओर, और उसके बाद परिणाम के आधार पर हमारे ये प्रतिभागी बालकों को आगे पुरस्कृत किया जाएगा। आपको जैसा पूर्व में ही ज्ञात होगा कि जो प्रत्येक कैटेगरी में प्रथम 3 स्थान प्राप्त करेंगे हमारे प्रतिभागी बालक, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, उनको पुरस्कृत किया जाएगा। धन्यवाद। थैंक यू पांडे जी। एक बार महत्वपूर्ण सूचना है सभी प्रतिभागियों के लिए, क्योंकि सभी रमे हुए हैं, सभी
कर रहे हैं अपने काम को इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए, पूरा अपना दमखम लगा रहे हैं। आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। लेकिन ये जरूर समझना जो टेक्निकल पॉइंट है जिस पर मूल्यांकन किया जाएगा, मूल्यांकन 30 नंबर पे होगा और 30 नंबर में 10 नंबर है थीम पर, और आप सब जानते हैं हमारी थीम है वसुधैव कुटुंबकम। आपकी जो प्रस्तुति है, आप जो कहना चाहते हैं, आप जो प्रस्तुत करना चाहते हैं, आपने जो बना रहे हैं, वह थीम पर कितना प्रासंगिक है, थीम को कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना को कितना वो प्रदर्शित कर पा रहा है, 10 नंबर उस पर रहेंगे। जो कलर आप यूज कर रहे हैं वो कलर कितने रिलेवेंट हैं, कितने प्रासंगिक हैं, आपकी उस थीम को कितना रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, 10 नंबर उस कलर के प्रयोग पर, और 10 नंबर ओवरऑल क्लैरिटी क्या है, जो आपकी थीम है, जो आपकी प्रस्तुति है, जो आपका कलरिंग है, जो आपकी डिजाइनिंग है, ओवरऑल क्या क्लैरिटी है उसकी 10 नंबर पर। इस प्रकार 30 नंबर पे आपकी जो प्रस्तुति है उसका मूल्यांकन किया जाएगा। मित्रों, हम जानते हैं कि विजेता होना तो गौरवशाली होता ही है, लेकिन उससे बढ़कर चीजें होती है, प्रथम वो होती है प्रतिभागिता। मैं सभी प्रतिभागियों को अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं कि वे आए और आज इस अवसर पे अपनी प्रतिभागिता दे रहे हैं। ये प्रतिभागिता मात्र नहीं है मित्रों, ये G20 की वसुधैव कुटुंबकम की भावना में आपकी सक्रिय सहभागिता है। और मैं एक बार पुनः जितने मंच के सम्मुख लोग बैठे हैं, मैं चाहूंगा इस सहभागिता को प्रणाम करते हुए, इस सहभागिता की भावना का अभिनंदन करते हुए, तालियों को दोनों हाथों को खोलिए और जोरदार तालियों से इस सहभागिता का अभिवादन कीजिए। हम सभी साक्षी हैं इस बात के। सभी प्रतिभागीगण लगे हुए हैं अपनी भावनाओं को करने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए। आप सभी को एक बार पुनः अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए ये कहना चाहूंगा कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर आधारित यह थीम रंग दे बसंत G20 के संग ये जब अभी संपन्न होगी 12 बजे, और 12 बजे के उपरांत जो भी समय दिया जाएगा उसके बाद मूल्यांकन होगा, मूल्यांकन की हमारी टीम बनी हुई है, मूल्यांकन होगा, उसके बाद पुरस्कार वितरण के सेशन में हमारे बीच में लखनऊ जिले के शासन के अनेक गणमान्य जन वरिष्ठ अधिकारीगण हमारे बीच में होंगे, और उन सभी प्रतिभागियों को एक सुअवसर प्राप्त होगा उनकी उपस्थिति में पुरस्कार प्राप्त करने का। एक बृहद सुअवसर है इस अच्छे से दिवस में, ऊर्जावान दिवस में, जिसके हम सभी साक्षी बने। G20 अवधारणा एक वैसे तो अगर देखा जाए तो पूरे विश्व पटल पर एक राजनीतिक और एक रणनीतिक कामना है, लेकिन जब भारत इसकी अध्यक्षता का मौका मिला है, लीडरशिप का मौका मिला है, तो भारत उस वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ इसकी लीडरशिप कर रहा है। और हम सभी इन 20 देश विश्व के इन 20 महत्वपूर्ण और विकसित देशों के प्रमुख के प्रमुखता करने के परिप्रेक्ष्य में यह हमारे लिए सुअवसर है कि भारत की विराट सांस्कृतिक, विराट आध्यात्मिक, विराट वैचारिक प्रगति की प्रतिदर्शिता को प्रस्तुत करने का। हम सभी जनमानस में एक नव चेतना है, नव गौरव का भाव है, नव हर्ष का भाव है, और इसीलिए आयोजन आज एक नई उमंग दे रहा है नन्हे मुन्ने बच्चों से लेकर के बड़ों तक। और ये सहभागिता आपकी सक्रिय सहभागिता दिखाती है, प्रतिभागियों की बड़ी सहभागिता दिखाती है कि हम अपने